और परिक्रमा में पावन सरोवर के पास से सनातन गोस्वामी की पता ना पड़ के आज कुल होते हैं बोल सुनिए नाम करते हुए फिर सूर्य कुंड को प्रणाम करते हुए नंद बैठक की ओर बढ़ गए उद्धव क्यारी से। नंद बैठक में नंद जी प्रतीक्षा किया करते थे गोचारण करके श्री कृष्ण जब आएंगे तो नंद बैठक के बाद हम लोग फिर यशोदा कुंड गए और इधर बाबा प्रतीक्षा करते थे उधर यशोदा जी अपने कुंड गए। वहां हाउ बिलाऊ के दर्शन किए यशोदा जी ने डरवाने के लिए जिनको रख रखा था बहुत बड़े बड़े हाउ थे वो तो नहीं रहे चोरी चले गए लेकिन वो स्थल तो है ही है छोटे छोटे से भी हैं वहां। वे भी देवता यानी पार्षद थे उनको प्रणाम किया गया है। भगवत लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है जो प्रवेश करता है वो पूज्य होता है। यहां उस मंत्र का अर्थ है कृष्ण के ऊपर दृष्टि रखने वाले। जब माता कहती थी जब डरवा देते थे धर्म काम अर्थ मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं पाषाण रूपी देव हैं। यशोदा जी ने उनको स्थापित किए थे वो चिन्ह 5,500 वर्ष प्राचीन थे यशोदा जी के स्थापित जो मंत्रों में कहा गया है। कलयुग की महिमा है साक्षात देव विग्रह थे और चोरी चले गए। हम लोग प्रणाम करते हैं उनको। उनका जो छोटा रूप वहां पर है यशोदा कुंड के पास जिसको देखा है सबने उनका ध्यान करके प्रणाम कीजिए। नमः कृष्णे चकास्तुभ्यो नमः कृष्णे चकास्तुभ्यो धर्म कामार्थ मोक्षिण धर्म कामार्थ मोक्षिण पाषाण रूपिणो देवा पाषाण रूपिणो देवा यशोदा
शीर्ष संस्थित यशोदा शीर्ष संस्थित वहां से हम लोग मधुसूदन कुंड होते हुए काजल कुंड की ओर चले और यद्यपि सभी कुंडों की दशा तो दुर्दशा ही है लेकिन किसी समय तो सब में अमृतमय जल था। मधुसूदन कुंड को प्रणाम कर लीजिए। केशवाय नमस्तुभ्यं केशवाय नमस्तुभ्यं परमायुर्विवर्धने मधुसूदन कृष्णाय देवानां हितकारणे वहां से काजल कुंड गए जहां पर श्री कृष्ण को काजल लगाया गया था। वन प्रदेश और साधारण लोगों को तो आकर्षण उसमें नहीं लगता है लेकिन भावुक जो होते हैं उनको ऐसी ही जगह आकर्षण लगता है। पुराना वन हो पुरानी प्राचीनता हो रसखान कब इन नयनन सो ब्रज के बनता तड़ाग निहारो। ये तड़ाग बन इन्हीं को देखने के लिए यात्रा चलती है। जो भावुक लोग हैं उनको तो अवश्य आनंद आता है। हम तो भावुक नहीं है लेकिन फिर भी लोगों ने किसी ने कहा कि यहीं से दंडोत कर लो, हमने कहा यहीं से दंडोत तो नहीं करेंगे। आंखों से देखेंगे खाली दंडोत से क्या है। रस खान कबई ने नैनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हु कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। करोड़ों सोने के मकान इन ब्रज की कांटों पे न्यौछावर है। ब्रज के कांटे इतने प्यारे लगते हैं भक्तों को। व्यास जी ने लिखा है कोटि मुक्ति सुख होत गुखरू जबे लगे गड़ी पायन। जब ब्रज का कांटा गुखरू चुभता है पांव में तो हम लोग तो मूर्ख लोग हाय हाय करते हैं और जो भक्त होते हैं उनको करोड़ों मुक्ति का सुख मिलता है कि ब्रज का कांटा हमारे पांव में लग गया। और एक महात्मा थे, बड़े बड़े महापुरुष हमारे यहां रह गए हैं, बुद्धदेव स्वामी उनका नाम था। तो यहां हरि यात्रा में और मानगढ़ में रहते थे, कभी कभी चले जाते थे जैसे कुंभ मेला है विशेष अवसरों पर। तो एक कांटा उनके पांव में लग गया था। वो कुंभ उंभ करके आए कई महीने बाद तो उनका दिखाई ये कांटा है बाबा, हमने निकाला नहीं, ये गांठ पड़ गई है कि ब्रज की निशानी है, इसको लेके जाएंगे क्या कहीं बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा उनको साधु संतों भाव था, बहुत संत समाज इकट्ठा होगा, अच्छे महात्मा थे लेकिन वो ब्रज का कांटा लेकर के गए।
तो जो भावुक लोग होते हैं वो उनको ये सब बातें अच्छी लगती हैं, और जिनके अंदर भाव नहीं है वो छोटी छोटी सी बात पर अभाव कर लेते हैं। जिसका भाव है उस ब्रज की गाली को वेद मंत्र से भी ज्यादा अच्छा समझता है। हम तो जैसे कल नंद मंदिर में गए थे, तुमने पहले बैठते कहा भाई नंदगांव में आए गाली नहीं मिली तो समझो कोई सम्मान नहीं हुआ। यहां का सम्मान ही गाली है, और उसको सभी लोग समझते हैं। वो हम कल बैठे थे, जैसे बैठे वैसे बैठे हुए रमेश गोस्वामी, ये उनसे मुखिया श्याम से कह रहे थे, ये एक बार हमारी यात्रा में सब लोग गए थे तो एक घटना सुना रहे खैरे गांव में। तो खैरे गांव में जैसे हम बैठते हैं तखत पर नीचे, उसके बाद पर्दा डाल लेते हैं, तो ब्रजवासिनी आई थी, देखा उन्होंने बाबा बैठो तो अपने साथ को बुला भी गई कुछ, और गोपी आई तब तक हमने पर्दा डाल लिया था भीतर। तो वो बोली, क्या बोली थी, निपू तो यही तो बैठे हो भाई, अब जाने कहां मर गए। तो ये ब्रज का प्यार है कि देख भी आ रही है, दर्शन कर रही है, श्रद्धा भी है, लेकिन गाली दे के भूलेंगे। तो ये ब्रज की संस्कृति है, ब्रज की सभ्यता है, इसके लिए ठाकुर भी तरसते हैं कि तो ये ग्राम्य ही समम ग्राम्य बद ईश, ये ऐसे भाव की बातें हैं। जिसको यहां की गाली से प्यार है, अपमान से प्यार है, वही ब्रज रस जान सकता है और वही ब्रज के भाव को जान सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता। ब्रज में भगवान भी अपनी परमेश्वरता भगवत्ता छोड़ देता है, फिर और हम लोगों क्या चलाइए। तो वहां से परिहारी कुंड गए, पनिहारी कुंड पर पनिहारी एक लीला भी सुनाई थी। मुख्य बात यह है, बृंदा जी यहां हम लोगों को इस बार निवास मिला, ये उनकी इच्छा थी। यद्यपि लगता है बड़ा दूर है, लेकिन हर बात को अगर भाव दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा आनंद होता है। ये बृंदा जी का प्यार है कि उन्होंने कहा हमारे पास इस बार रुक जाओ। अब ये दूसरी बात है कि हम लोग गंदगी फैलते आते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, लोग शिकायत भी लगते हैं, लेकिन हम इसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन अगर फैल गई तो उसके लिए फिर रोना भी बेकार है, क्योंकि मां की गोद में बच्चा टट्टी कर देता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा हमारे यहां भी यात्राएं आती हैं, कुंड पर चारों ओर गंदगी कर देते हैं यात्री लोग, मानकर वो भी कर देते हैं। तो उनसे हम उतना चिंतित नहीं है, क्योंकि ये बेचारे कष्ट करके यात्रा करने आए हैं। तो बृंदा जी में हम लोग उनकी दया से इस बार पहली बार पड़ा पड़ा है। बृंदा जी की कथा हम सुना रहे हैं, पहले भी थोड़े में सुनाया था,
लेकिन वो चलते फिरते सुनाया था। बिंदा जी कौन है और बिंदा जी जिनके कारण वृंदावन नाम पड़ा, ये कहीं इस विषय को किसी ने लिया भी नहीं है किसी पुस्तक में, जो वृंदावन में ब्रज यात्रा की पुस्तकें हैं। इस विषय को हम ले रहे हैं। बिंदा चार पांच बिंदा हुई हैं और किस बिंदा के नाकारण वृंदावन बना है, वृंदावन बिंदा जी के कारण वृंदावन बना है, तो चारों पांचों में कौन है। पहली बिंदा तो ध्रुव जी के पौत्र किराल जी की पुत्री थी, अभी हम बताएंगे। वे बिंदा थी, पहली बिंदा समझिए। और ध्रुव जी के पुत्र नंद सावरणी थे और नंद सावरणी के पुत्र महाराज केदार हुए। वे सातों द्वीप के मालिक थे। पहले तुम नाम बता दें, उनकी पुत्री यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी, एक पहली वृंदा तो वो थी। दूसरी वृंदा जो राजा कुशध्वज की कन्याएं थी तुलसी और वेदवती, तो जो तुलसी थी वो भी वृंदा थी, उनका नाम भी तुलसी और वृंदा पर्यायवाची शब्द है। तो दूसरी वृंदा वे थी। तीसरी वृंदा राधा रानी के 16 प्रधान नाम हैं, उनमें एक नाम वृंदा भी है। ये ब्रह्म वैवर्त में उनके 16 नाम मुख्य बताए गए हैं राधा रानी के। राधा राशेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्णा स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदा वृंदावन विनोदनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना, ये 16 नाम श्री जी के हैं। तो श्री जी के नाम से ये वृंदावन पड़ा। चौथा वृंदा की वन की अधिष्ठात्री देवी है वृंदा जी, जिसका गोस्वामी ग्रंथों ने वर्णन किया है। पांचवी वृंदा सती साल जालंधर की स्त्री थी। तो इस तरह से पांच वृंदा भाई हैं। अब पांचों में कौन सी वृंदा थी जिन्होंने तप किया, यहां नंदगांव में विराज रही हैं और जिनके कारण से वृंदावन वृंदावन बोला गया। पहली बात तो ये समझ लो कि वृंदावन क्या है। वृंदावन का परिचय गर्भ संहिता में आता है, शास्त्रीय परिचय। वैकुंठाच्चा परो लोको न भूतो न भविष्यति। वैकुंठ से दूसरा कोई लोक न हुआ है न होगा, सुंदर और बड़ा, ये गर्भ संहिता का वाक्य है।
एकम वृंदावनम नामो वैकुंठ च परात्परम। लेकिन वृंदावन वैकुंठ से भी आगे है, अधिक सुंदर है, अधिक ऐश्वर्य है, अधिक रस है। वो उसमें क्या है, कहां तक है, तो चतुर्वंशत विस्तृत 24 कोस का है वो। यत्र गोवर्धनो नाम गिरिराजो विराजते, जिस वृंदावन में गिरिराज जी हैं, और कालिंदी निकटे पुनिनम मंगलायनम, यमुना जी हैं और उनके किनारे पुलिन है जहां महारास होता है। यत्र बृहस्सानु गिरिर यत्र नंदीश्वरो तथा, जहां बृहस्सानु ब्रह्माचल और नंदीश्वर पर्वत हैं, वो वृंदावन है। तो सारा का सारा वृंदावन है, हम लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं खाली उतना ही वृंदावन है। तो इस वृंदावन में तप किया, नंदगांव के पास बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम तपस्वियों के थे, जैसे यहां से थोड़ी दूर कामेर है, शायद यात्रा हमारी इस बार उधर के रुक निकले, तो वहां शुकताल है, शुकताल व्यास ताल है, दुर्वासा हैं, ये बड़े बड़े ऋषि नंदगांव के आसपास ही इनके आश्रम थे। और इसीलिए बिंदा जी ने यहां तप किया जहां पर हम बैठे हैं, और इसी से इसका नाम वृंदावन सारे 24 कोस का पड़ा। जो पांचवी वृंदा थी जालंधर सती की स्त्री, उनको भी वृंदावन कहा गया, वृंदा कहा गया, लेकिन उनका इससे संबंध नहीं है। जो कुशध्वज की स्त्री तुलसी थी उनका इससे संबंध है। यहां पर दो वृंदावन ने तप किया है, एक तुलसी जी और एक उनका भी वृंदा नाम था, और एक महाराज केदार की कन्या, वो भी वृंदा थी। उन दोनों ने तप किया था यहां पर, और उन दोनों के कारण ही वृंदावन इसको कहा गया। सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए ब्रह्मा जी के पुत्र, ये वृंदावन सदा से सदा सदा सनातन जोड़ी है, ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता, पहले तू समझ लो। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरा, वृंदावन 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 की कुंज कुंज सुख वर्षक हर्षक सबके गाने, कुंज कुंज वर्षक हर्षक सबके महाप्रमहू लय नहीं जाको कबहू नहीं सा, महाप्रमहू लय नहीं
ब्रह्मा से पैदा नहीं हुआ है, ब्रह्मा से उपजो न अखंडित कब हूं ना ही नसा कृष्णा के फन पर नहीं है, भगवान के विराट रूप में नहीं है, काल के बंधन में नहीं है, पानी पर सूर्य के नीचे नहीं है, पानी पर रवि तर नहीं विराट पानी पर रवि तर नहीं विराट शेषनाथ के फन पर नहीं है, रवि सूरज के नीचे नहीं हमको दिखाई पड़ता है, विराट रूप में भगवान के लिए सृष्टि नहीं है, हर पर रवि तर नहीं विराट माया काल जहां नहीं व्याप सदा फूल फल पा निर्गुण सगुण ब्रह्म से अलग है, निर्गुण सगुण ब्रह्म के निर्गुण सगुण ब्रह्म से व्यास बिलास रास रस बरसता तो ये वृंदावन पहली बात तो है प्रकट कैसे हुआ नंदगांव बरसाना, ये इसलिए प्रकट हुआ कि जब श्री कृष्ण ने उतार लेने के लिए श्री जी से कहा था तो राधा रानी ने कहा था यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र मे मनः सुखम, जहां वृंदावन नहीं है 24 कोस का गिरिराज नहीं है, यमुना नदी नहीं है, हमारा मन नहीं लग सकता। तो श्याम सुंदर ने कहा ये सब नीचे चलेंगे, धाम का अवतार हुआ, अवतार अधामा या फिर प्रगट, जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो प्रगट होने के लिए कोई माता पिता होता है, एक बहाना मिलता है तब फिर वो उतार लेते हैं। तो वैसे धाम तो आ गया, धाम को प्रगट करने के लिए एक बहाना या निमित्त चाहिए, तो वो इसलिए भगवान ने उसको एक ऐसा रूप दिया कि ध्रुव के पुत्र थे, ध्रुव स्वयंभू मनु के पुत्र थे, सबसे पहले ब्रह्मा से जो मनु प्रकट हुए थे वो
पहले मनु थे, अब तो सातवें मनु है, सूर्य से सूर्य के पुत्र वही बसवत मनु है। अब तो करीब सृष्टि को 2 अरब वर्ष हो गए। ये 2 अरब वर्ष पुरानी बात हम बता रहे हैं, सृष्टि की शुरुआत की बात बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 अरब 30 करोड़ वर्ष के आसपास होता है, तो आधा दिन उनका बीत गया है ब्रह्मा जी का, इन्हें 2 अरब वर्ष बीत चुके हैं और बाकी 2 अरब से कुछ अधिक बाकी है, फिर प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मा जी सोएंगे, फिर उसके बाद उतनी देर से उन्हें के बाद उठेंगे, फिर सृष्टि बनेगी, नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। तो सबसे पहले जो स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनका लड़का था ध्रुव, ध्रुव की कथा सब जानते हैं। तो ध्रुव के एक पुत्र भय थे नंद सावरणी, ये कई पुत्र थे, लेकिन नंद सावरणी के जो पुत्र थे केदार महाराज, वो बहुत बड़े भक्त भय और सातों द्वीप के मालिक भय, और नित्य उनके दरबार में गो भक्त थे। अरे भाई, वो यहां भी गौशाला है, जिसको कुछ अनुदान देना होगा सब जगह कह जाए नरसिंह दास जी को दे देना, हम बता देते हैं जहां जहां पे होती है। तो वो महाराज केदार नित्य सोने से मली हुई सींग गायों को दान देते थे, गो भक्ति और कृष्ण भक्ति एक ही समझ लो, और नित्य ब्राह्मणों महात्माओं को भोजन कराते थे, बड़े संयमी थे, इंद्रियों से भोग नहीं भोगते थे, इंद्रियों से कृष्ण भक्ति करते थे। भाई भक्ति तो वही है, हमारी इंद्रियां भगवान में लग जाए, ठनाठन की भक्ति तो वही है, मनुष्य को भोग से दूर रहना चाहिए, उस भक्ति में कोई चमत्कार नहीं है जो भोगोन्मुखी है। क्योंकि तो रूप गोस्वामी जी ने कहा है, ये भोग की इच्छा कृष्ण भक्ति को खा जाती है। हम क्यों कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी ने कहा, भुक्ति मुक्ति स्पिहायावत पिशाची हृदि वर्तते, ये पिशाचरी है भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा। पिशाचरी जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको खा जाती है, वैसे भक्ति रूपी शिशु जहां पैदा होता है उसको पिशाचरी खा जाती है। भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्धते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवे, भक्ति सुख नहीं आता। महाराज केदार बड़े संयमी थे और उन्होंने भक्ति किया, और उन्होंने उनके प्रभाव से यज्ञ कुंड से एक कन्या दिव्य कन्या प्रकट हुई, और वो कन्या अयोनिजा थी, जैसे गर्भ में पेट में ऐसा नहीं झगड़ा था, प्रकट हुई और उसने कहा राजा केदार से कि मैं आपकी कन्या हूं। राजा ने उसकी पूजा किया कन्या की और उसे अपनी स्त्री को दे दिया, और उसी समय तो छोटी सी नहीं थी, यज्ञ कुंड से बड़ी सी प्रकट हुई, और उसने अपनी मां से कहा कि मैं अब यहां नहीं रहूंगी, मैं तप करने जाऊंगी, मेरा पति कोई संसारी नहीं हो सकता, मेरे पति तो वही भगवान ही है, ऐसी विचित्र कन्या थी।
वो तपस्या करने चली गई। जैसे मधु वन में आए थे ध्रुव जी तपस्या करने, वैसे उस समय राजधानी सबकी बिठूर थी, लेकिन वो कन्या यहां आई तप करने। नंदगांव के पास जो यहां बैठे हैं, यहां उसने तप किया था, वो कन्या यहां आई। ब्रज से ही सबको सिद्धि मिलती है। और बड़ा सुंदर वन था यहां, और तपस्या करते बहुत समय हो गया, तो ब्रह्मा जी प्रकट भए। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हैं? बोले कृष्ण को मैं पति चाहती हूं। बोले कुछ समय बाद मिलेंगे, अभी नहीं। वो संतुष्ट नहीं हुई, तप करती रही। आराधना से सब काम असंभव भी संभव हो जाते हैं। उनकी परीक्षा के लिए धर्म आए, स्वयं धर्म बड़ा सुंदर रूप बना करके, और आके बोले हे देवी तुम कौन हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो? वृंदावन वृंदा जी बोली मैं महाराज केदार की यज्ञ कुंड से पवित्र उत्पन्न उनकी कन्या हूं, मैं इस वृंदावन में तप कर रही हूं। मैंने उसके पहले से भी इसका नाम था, क्योंकि उन्होंने बताया कि यह धाम का अवतार होता है। और मैं श्री कृष्ण को पति बनाना चाहती हूं। धर्म ने कहा कि असंभव है, लक्ष्मी सरस्वती ये उन परमात्मा की स्त्रियां हैं, चतुर्भुजु वैकुंठ में भगवान की दो स्त्रियां हैं, और गोलोक में तो केवल उनकी राधा ही, उनकी साक्षात परब्रह्म स्वरूपिणी राधा ही उनकी सब कुछ है। वे कृष्ण कभी दो भुज कभी चतुर्भुज रूप से प्रकट होते हैं, और उनकी स्तुति दुर्गा गणेश आदि सब करते हैं, उनको तुम कैसे पति प्राप्त कर सकती हो? बहुत कठिन है। बड़ा भाषण उन्होंने दिया, और उन्होंने परीक्षा के लिए कहा कि तुम मुझे पति मान लो। बड़ा सुंदर रूप बना गए थे। ये सुनते मान बिंदा जी की आंख टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए, और उसने कहा कि अरे तुम ब्राह्मण होकर के कैसी बात कह रहे हो? ब्राह्मण स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। ये मलमूत्र पिंड है, चमड़े की चुच्छी है, इस पे आकर्षण जो होता है उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। और जो बलपूर्वक किसी से संपर्क करता है, वो माता के साथ भोग करने का उसको पाप लगता है, और सौ ब्रह्म हत्या के पाप लगता है। बहुत बड़ा भाषण दिया। बोले अरे ब्राह्मण योनि क्या है? नरक कुंड है, इसमें से दुर्गंध गंदा पानी निकलता है, और तुम उस नरक कुंड के लिए ब्राह्मण होकर के इच्छा करते हो, यह आश्चर्य है। एक सौ आठ युग मुझको बीत हो गए, 108 युग से वो वहां तपस्या कर रही थी। 108 युग तपस्या के प्रभाव से युवती बनी रही। बोले हमारे वंश में कोई नहीं रहा, सब समाप्त हो गए। सूर्य चंद्रमा पवन अग्नि ब्रह्मा शंभू भगवती दुर्गा मेरी रक्षा करते हैं,
जो भगवान का भक्त है उसकी सब रक्षा करते हैं। चक्रम चक्री पाशमादाय पाशी शूलम शूली वज्रमादाय वज्री धावंत्यग्रे पृष्ठतः बाह्यतश्च राधा राधावादिनो रक्षणाय। जो राधा राधा कहता है, भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करता है, उसकी चक्र लेकर के विष्णु भगवान, यमराज पाश लेकर के, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के, इंद्र ब्रज लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए, लेकिन तुमने मुझे स्त्री बनाने की बात कही, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है, मैं शाप दूंगी तुमको, जाओ तुम्हारा नाश हो जाए। उस अच्छा धर्म थे संसार में, संसार स्थित क्यों है, धर्म से, धर्म परीक्षा लेने आए थे और धर्म को शाप दे दिया। जैसे शाप दिया, सूर्य देवता आ गए, बोले देवी धर्म नहीं रहेगा, संसार चला जाएगा। ब्रह्मा शंकर सूर्य इंद्र सभी आ गए, क्षमा मांगी और बोले धर्म तो तुम्हारी परीक्षा के लिए आए थे देवी, इनको जीवन दे दो, तुम्हारे में इतना तप है, इतनी आराधना है कि तुम अगर क्षमा नहीं करोगे धर्म का नाश हो जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा। भक्तापराध ऐसी बड़ी चीज होती है, हम जैसे मूर्ख लोग भक्तापराध से डरते नहीं है, बुद्धि ही नहीं। वृंदा जी ने कहा, सब देवताओं को देख करके, सूर्य ब्रह्मा शंकर सूर्य आदि को देख करके, आप तो कह रहे तो मैं इसको जीवन दान दे दूंगी, यदि मेरी तपस्या सत्य है, मेरा भगवान का पूजन आराधन सत्य है, तो ये धर्म ब्राह्मण कष्ट रहित हो जाए। और बृंदा जी ने धर्म तो समाप्त हो गए थे उनके कहते मान, उनका सिर अपनी गोद में ले लिया और रोने लग गई, ये मैंने क्या किया, ये तो ठीक नहीं किया मैंने, क्रोध में। धर्म की स्त्री जो मूर्ति थी वो आई और विष्णु भगवान उस समय आ गए थे, उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि हे देवी बृंदा, तुमने तपस्या से ब्रह्मा की आयु के समान आयु प्राप्त किया, भजन से आयु बढ़ती है, देखो ये प्रमाण है, निश्चित आयु बढ़ती है, लेकिन कायदे का भजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जिसे हम लड़ुआ दास पीड़ा दास हम भक्त बन जाए, कैसे बन जाएंगे, है लड़ुआ दास पीड़ा दास अठन्नी चुन्नी दास, पैसा की तृष्णा है मन में, भोग की तृष्णा है, तो भक्त कहां है। नहीं तो अगर मनुष्य भक्ति करता है तो उसकी निश्चित आयु बढ़ती, निश्चित आयु बढ़ती है। अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु चली जाती है। 101 प्रकार की मृत्यु है, 100 अकाल है, 1 सकाल है। ज्यादातर संसार में अकाल मृत्यु से लोग मरते हैं, 100 वर्ष की पूर्ण आयुष्य ही सकाल है। तो भगवान ने कहा कि तुमने अपनी तपस्या से ब्रह्मा के समान आयु प्राप्त किया है, तुम अपनी आयु धर्म को दे दो और इस शरीर से गोलोक चली जाओ, जहां तुम मुझे प्राप्त करोगी, तुमने कृष्ण पति पाने के लिए तप किया है। गोलोक में आने के पश्चात बराह कल्प में, जो इस समय चल रहा है, तुम राधा की छाया भूता ब्रजभान कन्या बनोगी, उस समय तुम्हारा विवाह रायण गोप से होगा, छाया राधा बनोगी, मुख्य राधा नहीं। और
जब लास्ट लीला होगी तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी। और जो वास्तविक राधा है वो तो रहेगी, तुम छाया रहोगी बनोगी। रायण वो तुम्हारा ग्रहण करेंगे छाया को, और मोह में ग्रसित लोग मुख्य राधा में परकिया भाव करेंगे। ये ब्रह्म विवर्त में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। मुख्य राधा में परकिया हो ही नहीं सकता है, और वो ना निषेध किया गया, मोह है ऐसा सोचना भी। मुख्य राधा में परकिया भाव जो करना करता है वो मोहाच्छन्न है, क्योंकि वो तो सदा श्री कृष्ण की गोद में रहती हैं, इधर उधर जा ही नहीं सकती हैं। तुम्हारा तुम छाया राधा हो बनोगी, तुम्हारा विवाह रायण गोप से होगा। उन्होंने अपनी आयु दे दिया और गोलोक चली गई, लेकिन उनके मुंह से तीन बार क्षय निकला था, तो इसलिए वो सतयुग में तो पूरा रहेगा, त्रेता में एक चरण हट जाएगा, द्वापर में दो और कलयुग में भी एक पांव रह जाएगा, और अंतिम समय में वो भी नष्ट सा हो जाएगा। वो चली गई फिर वो, तो एक तो वो थी महाराज केदार की कन्या जिनका हमने इतिहास सुनाया, दूसरी वृंदा जो तुलसी जी थी राजा कुशध्वज की, इन्होंने भी यहां तप किया था, और दुर्वासा के शाप के कारण इनको इनका शंखचूड से विवाह हुआ था। शंखचूड की बड़ी लंबी कथा है, वो जालंधर से मिलती जुलती है। शंखचूड का वध हुआ था जब देवता लोग स्वतंत्र हुए थे, भगवान के शाप से वो तुलसी वृक्ष बनी, और इनके शाप से भगवान पत्थर बन गए शालिग्राम। उन्होंने भी यहां तप किया था, इसलिए इसको वृंदावन कहते हैं। तो ये हमने आपको यहां वृंदा जी की कथा सुनाई कि उन्होंने तप किया, और इस तरह से उनके तप से ये वृंदावन बना, इसीलिए इनकी यहां स्थापना है, इनकी पूजा है। और ये इनके तप से ही सब वन बना। ये वृंदा जी की कथा सुनाई हमने। अब नंदगांव की ओर चलते हैं। मन वहां ले चली जहां श्री कृष्ण खेल रहे हैं, थोड़ी सी रस की भी बात हो जाए। चरण पहाड़ी के वर्णन भागवत में आता है, दशम स्कंद में 47वें अध्याय में, पुनः पुनः स्मारयंती, जहां पर उनके चरणों को देख करके नंद गोप सुतम बत चरण चिन्हों को देख करके कृष्ण की याद आती है। और उस समय श्री कृष्ण यहां जब लीला कर रहे थे तो किसी की मटकी फोड़ना, किसी की चोरी करना, घर संहिता में तो लिखा है
पक्का चोर वही होता है जो अपने घर से चोरी शुरू करता है। कृष्ण ने अपने घर से चोरी उपनंद जी की स्त्री प्रभावती ताई के यहां चोरी शुरू किया था। एकल संहिता में लिखा है कि वो ताई पकड़ के ले गई, यशोदा तेरा लाला बिगड़ गया है, तो मुझे कैसे पता, पकड़ के लाई हूं देख। तो जब यशोदा जी देखने आई तो श्री कृष्ण ने उनके पति को रूप बना लिया और यशोदा जी बोली, अरे तो हमारे लाला है, पर पकड़ के लाइए कि अपने समय लाइए देख। तो जब मुड़ के देखा तो शर्म के मारे चली गई। ये भागवत में भी आता है ये प्रसंग, दशम स्कंध आठवें अध्याय में, एवं धार्ष्ट्या निषदि कुरुते मेनाधीनि वास्तव लिपि पुते में पानी फैलाता है या दीला में मलमूत कर जाए प्रकट करके चढ़ाने के लिए। एवं धार्ष्ट्या निषदि कुरुते मेनाधीनि वास्तव स्थिर उपाय विरचित कृति सुप्रतीको वास्ते। चोरी के लिए अनेक रूप धारण कर ले, सुप्रतीक कभी स्त्री कभी कभी पुरुष कभी बेटा गुरु बना ले। तो विनोद के लिए ये रस है। गोपियां जाती थी नंद भवन में शिकायत के बहाने श्री कृष्ण को देखती थी। सूरदास जी ने लिखा है जब ये बात फैली कि कृष्ण चोर हो गए तो बहुत बड़ा उत्सव ब्रज में मनाया गया। हाँ लिखा है, ब्रज घर घर प्रगति ये बात चोरी करने हरी बजुला चोरी करने हरी राम सखा संग खा सब खुशी की लहर फैल गई सारे वन में। क्यों कि चोर बनने में फायदा है, चोर को कोई बुलाता ही बिना बुलाए चाहे जहां चला जाता है। अब तो हमारे घर जरूर आएंगे, नंद के लाला तो नहीं आ सकते थे राजा के बेटा है, लेकिन चोर तो बिना बुलाए आएगा। इसलिए गोपियां खुश हो गई, ब्रज बनिताया सुनि अति हर शीतल सजन हमारे माखन खा अचानक अभी आएंगे चोरी करने तो पकड़ लूंगी, हृदय से लगा लूंगी। ये प्रसन्न भी यही अभिलाषा कर रही हूं, जल्दी कोई कौन जल्दी
चोर आवे हमारे घर। निश दिलिया अभिलाष कर हृदय भरतिया ज्ञान सूरदास प्रभु को सूरदास प्रभु भुजधारी तो गोपियां जाती थी दर्शन करने के बारे में उलाहना देने, और ये बात सारे ब्रज में फैल गई। सोना चोरी करी मौसी चोरी यशोदा के ये काली
श्री रसिया ने ये सूरदास जी ने लिखा है कि सब गोपी पहुंची यशोदा जी के पास, बोले भैया यार नंदगांव में हम तो रहेंगे नहीं, ये नंदगांव रहने लायक नहीं रहो। अच्छा बोले क्यों? अपनो गांव में नंद भाई बड़े बाप की बेटी हो, गरीब तो इसे सुंदर छोरा पैदा किया, जन्म वचन है। बड़े बाप की बेटी आते बड़े बाप की बेटी आते अपने छोरा को ऐसे सिखा दिया तुमने, अरे क्यों नंदगांव छोड़ रही है, बात क्या है? बोले सुनो, सखा भीर ने पैठक घर में सखान को खुला है, और भागवत में लिखा है मरकान भोक्षत विभुजत सचे नाति भंडन विनति, बंधन को खुला है वसान मुचंग कचिद समय। भागवत में दशम स्कंद के आठवें अध्याय में यशोदा जी से कह रही है अब बछवान को खोल दे सब दूधे पी जाए। वसान मुचंग कचिद समय क्रोश संजात हास, तुम यशोदा जी बोली डांट दो छोरा को, बोले डांटे तो है लेकिन ऐसे जोर से हंसे कि हमारा गुस्सा गायब हो जाए, ऐसे हंसो करे जैसे जैसे हम की लाना बछड़ा क्यों खोले सब हम बोल दे के मर कर, तो वसान चंद क्वचित समय बोली तो बछड़ा खोले ही तो बढ़िया ही बात है। अरे बोले असमय में खोले जब दूध पी जाए, वैसे समय पर खोले तो ठीक है, तो बोले डांट दो, बोले डांट कैसे दे क्रोश संजात हंसे हंसो करे, और हंसे में सब हमारे सब डांट तो हमें हम भी हंसी आ जाए। वसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हंसा, और ये तो बोले कोई बात नहीं माखन ले जाओ हमारे यहां से दो चार दस मटका, अरे नहीं बंधन की फौज जा रहे हैं 150 नहीं निमक बंदर हैं, और अब तक है नंदगांव में तो एक बंदर ने छत पे हल्ला बचाया, एक बेचारे गोसाई गिर के मर गए, बहुत पुरानी बात है बंदर के मारे, ऐसे बंदर हैं आओ तो गिरो अच्छा ये बात भी सही है क्या? लो बात सही, गोसाई जी कह रहे सही है, धन्य नंदगांव
मरकान भोक्षण भी और फिर मैया वसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा बोले फिर मरकान बंधन की भाव जावे तो पचासवा मटका दे सब खाली हो जाए। मरकान भोग्यन विभजति सचिन नाती भांडम और खुद नहीं खा रहे तो माट मटका फोड़ फाड़ के जाएगा। बोले माट मटका फोड़ दे हाँ मरकान भोक्षण में ना द्रव्यालावे और वो कभी कभी तो हम ऐसे करें कि मालूम रहे कि आवे वो तो खाली खाली मटका धरने वहां और जब कछु नहीं मिले तो गुस्से में मरकान भोक्षण बेबुजति सचेत नाती भांडम विनंती मटका मटका फोड़ दे और द्रव्यालावे कुछ नहीं मिले तो जो हमारे छोरा छोरी सोते रहे उनको चोटी काट करके जुलाओ करे कि सुमनी के छोरा यहां तो कुछ नहीं है बताओ तो भी गुस्सा गधे पर तुम अवगुण कहां तक है। मरकान भोक्षण विभजते सचेत नाति भांडम विनति द्रव्या लाभे सग्रह कुपतो या चुपक्रोश तूकान छोरान को रिवाव कर दो कि हमें कुछ नहीं मिले क्यों नहीं मिले यहां घर में। और बोले हस्ताग्राहे बोले ठीक है तो छोटा सा छोरा है ऊपर अरे बने ऊपर बहुत टांग दे हम बड़े बड़े ऊपर छीके पर टांग दे लेकिन हस्ताग्राहे रचे थे विधि विधि बनाने पीठ को खुला दे बड़े बड़े धान पीटने की पीढ़ा उड़ा ला करके और वहां पहुंच जाए। हस्ताग्राहे रचे थे विधि पीठ को खुला दे और बोले इतनी ऊपर रख दे हम कि पीड़ा वीड़ा में नहीं पहुंच पाए तो जैसे धरती सूंघा हो सूंघ करके बता दे यहां पानी है तो वहां खोदो पानी निकलेगो वैसे ही मटका सूंघा है दस पांच मटका में ऊपर टांग में खाली खाली एक मटका में रख दे हम तो सूंघ करके जैसे चीटी कि नाक हो पता पड़ जाए चींटी को यहां मीठा है या घी है वैसे ही मैया छिद्र में यंत्र निहित निहित वयुन वयुन माने ज्ञान किस मटका में माखन है इस सूंघ के जान जाएगो नीचे थे और वायु मटका में छेद कर देगो। हस्ताग्राहे रचेति विधि पीठ को मुखुलाद्य छिद्यम यंत्र निहित वही वही माने ज्ञान छिद्यम यंत्र निहित विनिशिक्य भांडेशु तद्विधि सब कुछ जान जाएगी यहां पर क्या है। बोले और बोले कबो कबो हम तो गुफा में नीचे छिपाया है देखो वहां घेरे में धानता गावे धृत मणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम चिन्मय शरीर का श्लोक है। अंधेरे में पहुंच जाएगा मरीन के आभूषण के ज्योति और उसके अंग से भी नीली ज्योति निकले स्वांग अर्थ प्रदीपम अंधेरे को जीते बन ले और सब माल निकालना भाई। तो धनता गारे धृत मणि जनम स्वांग अर्थ काले गोपी यदि गृह चित्ता हम अपने घर के काम में लगी रहे हमारा सब माल साफ हो जाए एवं ध्यानुष्ठानुषनिकास्तु और जा करके हमारे लिपे पोते में पानी फैला दे या चुहाने के लिए जैसे गोबर लंबा लंबा मूत्रा करे हमें सब आंगन बिगाड़ दे एवं ध्यानुषद करते मीनादीन वास्तु स्त्रियों पायर विरचित कृति और कभी पति स्त्री को बना दे पति को कभी बेटा को सुप्रति को तो इसे इसलिए
सखा भी पथ भयन आप जब मैं चली शाम को पकड़ा जब मैं चली शाम को पकड़ा तब की बात बताऊं तो मिया बोली फिर तब कामाओ जब तू गई तो भाज गयो भाज गयो बहुत दूर चले गए मैंने कहीं तो चले गए चल नीचे तब मैं पढ़ी जा मैं तो लेट गई कि गुरुदेव आवाज गुरुनाऊ दौड़ के आई हूं थक के अरे वो तो भाई छोड़ा है धर, दो ढंग में लंबो पड़ गए अरे बेचारी थम थम करके धूप पी के मुठिया रही तो मोटे आदमी भी दौड़ गए बड़ा मुश्किल हो जाए थक गई आ करके लेट गई अब लेट गई तो सोई तो नहीं लेकिन आलस में लेटी रही वो जाने मैया जाने कब धीरे धीरे आयो हमें पता नहीं पड़ो और हमारी चोटी लटक रही पलना पर बेड़ी और वो धीरे धीरे बेड़ी को खाद के पाए में बांधती हो हरे हरे बेनी गुही पाछे हरे हरे बेनी गुही पाछे आधी पाती जा तो आप बोली अच्छी तरह बांध लियो और आराम से चोरी करो क्योंकि जब वो उठाई तो पलंगा थोड़ी छिपा रहे वो ऐसे ऐसे मुड़े घुमा रही है और जब तक सब दूर तरीके से मामला सफा हो गया ये क्या कर रही है बोले मिया तेरे आकी सुनी हमारी तो सुनी नहीं हमारी सुन ले सुन मैया लाके गुण सुन मैया तो कैसे सुन लू मैं जो अपनी गैस जा रहे हो और यानी बड़े प्रेम से अरे लाला जी थोड़ा यहाँ आइयो आइयो बड़े प्रेम से अरे तेरे हाथ जो क्या करोगी ऐसी फरसंगी है बुला ली हमें सुन मैया ना के मोहनियो बुला
नंद वाला तुम तो बड़ो अच्छो है, अरे दही में चेटी पड़ गई है, शहद की चेटी है या निकाल दे, मैं सूधे साधे मुंह का खबर चोरी लगाएगी, मैं चेटी बिल में लग गो दही में पानी शहद की चेटी समय सब चेटी बिलवाओ। मैंने कहा तो जाओ रही भगवान, बोले अरे तुम तो बहुत छो नहीं बनाना है, थोड़े से और हमारे घर के काम ही कर जा। क्या करूं, बोले मैं थक गई हूं, तू बिहारी वाली थोड़ी लगा जाना। चाल करते आपकी घर की मैं तो छोटे से बालक हूं, आगे कुछ जानूंगी नहीं, मैं अपने आगे घर की सेवा करवे लगो, चलो हनुमान साई में नाम लिखवा लो और ये ऐसी बेसरो चहल कर के घर तब तक या तो घटवा ले आओ और वाके साथ सोने लगे, ऐसी पैसे ये पति और कुछ ऐसी बात कह दो नंदलाला कि मैया पे हंसी नहीं रुकी, कोई ऐसी बात होगी? और सोए में जो सुना बच्चा ना सुना हंसी का सोना सोना जी में भी हंसी नहीं रुकी, ऐसी बात कुछ कह दो नंद गोलाला। अब कहा गए वो जाके पूछ लीजिए, सूर्य बचाना सूर्य हसी का जो ग्वाल जो गोपी शिकायत करने गई थी वो मुंह देखने लग गई कि कैसी बात बना दो, सूर्य बचा ये छोटा तो हंस रही है और जो ग्वालिन है वो देख रही है कि कैसी सफाई से बात बनाई, वाह सूरा बच्चा ना सुनी हसी का सोया रही बहुत सी लीला यहां गोविंद गावनी को लागत रही, एक लीला सुना दियो और सुर सागर में सैकड़ों पद हैं कृष्ण की चोरी के दधी दान के, अद्भुत लीला है यह नंदगांव में ठाकुर जी ने करी है। आज तक नंदगांव रहे कल यहां से हम लोग गिरो होते कोकला में होते बठैन पड़ाव है, कल कीर्तन कर लो हाँ, जिसको गौशाला के यहां नंदगांव को देना और नरसिंहदास जी को दे देना। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
Thank you.